नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रावत चौधरी, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल यश होम्योपैथिक सेंटर जोधपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे पास काफी टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर HLA-B27 के बारे में हमें कुछ बताएं। इनफैक्ट दोस्तों, अलग अलग क्वेश्चन आ रहे थे, कई लोग कह रहे थे कि सर मैं HLA-B27 पॉजिटिव हूँ तो इसके बारे में मैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में जानना चाहता हूँ। कुछ लोग कह रहे थे सर HLA-B27 नाम की मुझे बीमारी हो गई है तो उसका मुझे होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बताएं। काफी लोगों की क्वेरीज आ रही थी कि सर मुझे एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस या जिसको हम AS कह देते हैं रूटीन में, वो बीमारी हो गई और बहुत लंबे समय से, क्योंकि AS जो है क्रोनिक डिजीज है जिसके बारे में डिटेल में मैंने बताया है। और पर्टिकुलरली मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपको AS है और आप HLA-B27 के बारे में जानना चाह रहे थे तो उस वीडियो का लिंक मैं ऊपर शेयर कर देता हूं जिसके अंदर हमने डिटेल में बात की एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस या AS, तो आप वो वीडियो देखें। तो वो लोग भी जानना चाह रहे थे कि सर HLA-B27 का जो है क्या बेस्ट पॉसिबल होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है, क्योंकि रूटीन के अंदर देखा गया कि ये जो है बहुत लंबे समय तक तंग करता है, क्रोनिक जो है ये ऑटोइम्यूनिक डिजीज होती है जो जल्दी से ठीक नहीं होती। और वो लोग जिनको लंबे समय तक बैकएक या कमर दर्द रहा, उनके अंदर भी देखा गया कि HLA-B27 पॉजिटिव है और वो जल्दी से ठीक नहीं हो पाते। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे HLA-B27 के बारे में शॉर्ट के अंदर, उसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि HLA-B27 कोई बीमारी या डिजीज का नाम नहीं है। HLA-B27 एक जीन है और इस जीन का ये है HLA-B27 जो हम कहते हैं, ये शॉर्ट में नाम है इसका। अगर हम पूरा नाम बात करें तो इसका नाम है ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन B27। और दोस्तों, अगर हम बात करें कि HLA-B27 हमारी बॉडी में कहां होता है, तो दोस्तों आप जानते हो कि हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है, हमारा खून है, उसके अंदर कई तरह के सेल्स होते हैं। हम लोग कहते हैं रेड ब्लड सेल्स, जिसको कि लाल रक्त कोशिकाएं आप कह देते हो। उसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर ब्लड में व्हाइट ब्लड सेल्स या WBC भी होते हैं। ये WBC सेल्स दोस्तों, अगर आप साइंस स्टूडेंट हैं तो आप जानते हैं कि इनका काम होता है हमारी बॉडी की इम्यूनिटी देखना या हमारी जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता को देखना। ये जो व्हाइट ब्लड सेल्स या WBC है, इनके सरफेस के ऊपर एक जीन है जो कि कुछ लोगों में देखने को मिलता है और उसका नाम है HLA-B27। तो यहां समझने वाली बात क्या है, HLA-B27 अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, ये एक जीन होता है और इस जीन के कारण आपकी बॉडी के अंदर कई तरह के चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। कई बार कुछ बीमारियों के लिए भी इसको रेस्पॉन्सिबल माना गया, जो हम आगे बात करेंगे। दोस्तों, अब अगर हम बात करें कि आपके शरीर में कैसे आ जाता है, दोस्तों HLA-B27 को माना गया कि आपको जेनेटिकली मिलता है, यानी अनुवांशिक रूप से मिलता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उनके मम्मी पापा डायरेक्ट उनके पेरेंट्स हैं, उनमें से हो सकता है कि दोनों अगर HLA-B27 पॉजिटिव है, या दोनों में से अगर कोई एक भी HLA-B27 पॉजिटिव है तो उनके जो बच्चे हैं उनके अंदर पूरे चांसेज हैं कि ये जीन आगे ट्रांसफर हो जाए, यानी जेनेटिकली या अनुवांशिक रूप से ये आपको मिल सकता है। दोस्तों, अगर हम आगे समझने की कोशिश करें कि HLA-B27 अगर आपको मिल गया जेनेटिकली अनुवांशिक रूप से, तो ये आपकी बॉडी में क्या करेगा। देखिए, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि HLA-B27 आपकी बॉडी में कहां मिलेगा, आपके व्हाइट ब्लड सेल्स, जिनका काम होता है आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को देखना, उनके सरफेस पर ये मिलता है। तो दोस्तों, ये जब वहां व्हाइट ब्लड सेल्स की सरफेस पे होगा तो व्हाइट ब्लड सेल्स का काम था इम्यूनिटी देखना, तो उसके कारण क्या होगा कि आपका जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है उसमें कुछ डिसफंक्शन पैदा हो जाएगा। आप कह सकते हैं कुछ डिस्टर्बेंसेस पैदा हो जाएंगे, उनमें कुछ चेंजेस आ जाएंगे जिससे कि आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है थोड़ा सा एबनॉर्मल बिहेव करना लगेगा और आप कहेंगे कि ऑटो इम्यून डिजीज जनरेट होने लग जाएगी। दोस्तों, ऑटो इम्यून डिजीज का क्या मतलब होता है, वो बीमारियां जब आपका शरीर का डिफेंस सिस्टम, वो आपका शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर खुद ही आपके शरीर पे हमला करने लगे, अंदर ही अंदर आपकी बॉडी में से बदलाव हो जाए कि आपका बॉडी खुद ही आपसे लड़ने लग जाए, आपके जो व्हाइट ब्लड सेल्स और जो फाइटिंग फोर्स थी वो खुद ही आपकी बॉडी में अलग अलग आपके ऑर्गन्स या अंगों पे हमला करेगी जिसके कारण कुछ बीमारियां पैदा हो सकती है, तो उनको हम ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं। और आप समझ सकते हो कि अगर आपके शरीर में खुद में ही ऐसे बदलाव हुए कि अंदर ही आपका शरीर खुद कुछ बीमारियां पैदा करने लग गया तो उनको ठीक करना कितना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए HLA-B27 या कोई भी ऑटो इम्यून डिजीज होती है उनको ट्रीट करना बड़ा टफ होता है। लेकिन आप जानते हैं कि होम्योपैथी के अंदर बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन है जो बिना साइड इफेक्ट, बिना नुकसान पहुंचाए और आपको अच्छे रिजल्ट दे सकती है। दोस्तों, अगर हम यहाँ टू द पॉइंट बात करें कि HLA-B27 के कारण कौन कौन सी आपके बीमारियां जो है बॉडी में आप देख सकते हो, तो दोस्तों मोस्ट कॉमन या सबसे ज्यादा जो बीमारी देखने को मिलती है वो AS या एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, जिसका मैंने शुरू में भी बताया, अलग से वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट आपको बीमारी देखने को मिल सकती है वो है रिएक्टिव आर्थराइटिस,
एक तरह का आर्थराइटिस, जॉइंट्स का या जोड़ों का दर्द, आपको यूआइटिस हो सकता है, यानी आपकी आंखों से संबंधित कुछ ऐसी बीमारी हो सकती है जिसके अंदर आप देख सकते हैं आपका विजन जो है ब्लर्ड हो रहा है, यानी आपको धुंधला दिखना लगेगा, कई बार आपकी रोशनी जा सकती है, आपकी आंखों में बार बार कुछ इन्फेक्शन होंगे, इन्फ्लेमेशन होंगे, यानी लालपन, सूजन ये आपको देखने को मिल सकती है, कई बार आपको स्किन यानी चर्म रोग देखने को मिल सकते हैं, कई बार आपकी यूरेथ्रा यानी पेशाब की नली से संबंधित बीमारियां भी देखने को मिल सकती है। दोस्तों कुछ केसेस के अंदर आपको इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज या कोलाइटिस हो सकता है, यानी आपकी आंतें जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है और जिसके कारण आपको डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कई तरह की प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल सकती है। दोस्तों कुछ केस के अंदर सोरायसिस या सोराइटिक आर्थराइटिस भी आपको हो सकता है। तो ये हमने देखा कि HLA-B27 पर्टिकुलरली आपकी बॉडी के अंदर कौन कौन सी ऑटोइम्यून डिजीज पैदा कर सकता है। दोस्तों अब हम बात करें कि अगर ये सारे लक्षण आ गए हैं और हमें कैसे पता चल सकता है, क्या कोई टेस्ट है जिससे आपको पता चले कि हाँ मुझे HLA-B27 तो नहीं है। दोस्तों पर्टिकुलरली इस जीन के लिए ब्लड टेस्ट होते हैं और कई तरह के ब्लड टेस्ट हैं, बस उनमें जो बेस्ट टेस्ट माना गया है वो PCR ब्लड टेस्ट माना गया है। आपके डॉक्टर साहब के पास जब आप जाते हैं तो आपको रिकमेंड करते हैं, और अगर ये पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब कि आपकी बॉडी के अंदर जो ये जीन है ये प्रेजेंट है, और रिपोर्ट आपकी नेगेटिव आती है तो यार आपकी बॉडी के अंदर ये जीन नहीं है। दोस्तों हम बात करें क्या सिम्टम या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे जिससे हम अलर्ट हो जाएं कि हमारी बॉडी के अंदर कहीं HLA-B27 तो नहीं। देखिए मैंने बताया कि HLA-B27 जीन के कारण आपको ऑटोइम्यून डिजीज होगी और उसके कारण कई तरह की बीमारियां हो सकती है। तो दोस्तों नेचुरली जो अलग अलग बीमारियां हैं उसकी तरह से आपको अलग अलग सिम्टम्स या लक्षण भी बॉडी में देखने को मिल सकते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन जो इसके सिम्टम्स है मैंने बताया AS या एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में आपको देखने को मिलते हैं। तो उसके अंदर दोस्तों कॉमन सिम्टम्स जो देखने को मिलेंगे मैं कुछ शेयर करूं तो उसमें क्या होगा कि आपकी जो स्पाइन है या मैं रूटीन में बोलूं आपकी जो रीढ़ की हड्डी है इसमें आपको बहुत ज्यादा चेंजेस बदलाव देखने को मिलेंगे और आप कह सकते हैं कि आपकी स्पाइन धीरे धीरे खराब होने लगेगी, वहां फ्यूजन भी होने लगेगा यानी इकट्ठी होने लग जाएगी रीढ़ की हड्डी के अंदर, चेंजेस आने लगेंगे। खास करके उसके अंदर आप देखेंगे कि आपके जो लोअर बैक पैक यानी जो कमर का निचला हिस्सा है वहां पे आपको स्टिफनेस यानी जकड़न महसूस होगी, आपको मूवमेंट इधर उधर घूमने फिरने में आपको तकलीफ होने लगेगी, एक दर्द रहने लगेगा, आपको हिप्स यानी आपका जो कूल्हे के जॉइंट्स है वहां भी दर्द होने लगेगा आपको। दोस्तों ये दर्द ऊपर नेक में यानी आपकी गर्दन में आ सकता है, आपके शोल्डर्स में जा सकता है, कई बार ये आपके जो है एल्बो यानी कोनी में भी जा सकता है, आपके घुटने में जा सकता है, नीचे आपके जो है टखना एंकल वगैरह में भी जा सकता है, और कई बार आपकी जो पूरी अंगुली है उसमें भी आप सूजन या दर्द देखने को मिल सकता है। ये यूजुअली आपके पैरों में ज्यादा देखने को मिलता है और हाथों में भी हो सकता है। दोस्तों इसके जो एस के अंदर पर्टिकुलरली यही हम बात करें तो इसमें देखेंगे कि जब आप पर्टिकुलरली मूवमेंट करते हो, चलते हो, फिरते हो तो आपके लक्षण कम हो जाते हैं, और रात में जब आप रेस्ट कर रहे हैं, जब आप सो रहे हैं तो आप देखेंगे जब सुबह सोके उठेंगे आपकी तकलीफ बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होगी, या नाइट में सोते सोते भी अगर आप करवट बदलना चाहेंगे तो आपके जो सारी बैक है कमर और जॉइंट में स्टिफनेस आ चुका होगा और आपकी तकलीफ बढ़ जाएगी, यानी आप रात में आपके सिम्टम जब आप बॉडी रेस्ट करेंगे तो बढ़ जाएंगे या सुबह आपको बढ़े हुए मिलेंगे। दोस्तों इसी के साथ में आपके जो कई बार मैंने बताया कि आपकी आंखों के अंदर भी आपको सिम्टम देखने को मिल सकते हैं, आंखों में सूजन देखने को मिल सकती है, रेडनेस देखने को मिल सकती है, और आपका विजन भी खराब हो सकता है, या बाकी जैसे मैंने बताया स्किन से रिलेटेड आपको सोराइसिस या बाकी सिम्टम्स भी देखने को मिल सकते हैं, आपको जो कोलोन के अंदर अगर इसका असर आ गया एब्डोमेन में तो IBD या भी आपको हो सकता है। दोस्तों ये सिम्टम्स थे जो कि पर्सन टू पर्सन और आपकी बॉडी में कौन से ऑर्गन पे अटैक किया उसके अकॉर्डिंगली चेंज होते रहते हैं। दोस्तों अब हम बात करें मेडिसिन्स की कि होम्योपैथी के अंदर कौन सी मेडिसिन्स है जिसका काफी ज्यादा पूछते हैं, तो दोस्तों मैंने बताया एक बहुत बड़ा एक टॉपिक हो जाता है HLA-B27 क्योंकि हर आदमी के शरीर में अलग अलग बीमारी या सिम्टम्स पैदा कर सकता है, उसके अनुसार ही आपको पता है कि होम्योपैथी के अंदर आपके लिए मेडिसिन दी जाती है, और बहुत से लोग दोस्तों क्लिनिक पे भी आते हैं ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेके भी पूछते हैं। तो दोस्तों आप जानते हो कि HLA-B27 जो लोग पॉजिटिव है बहुत लंबे समय तक इनफैक्ट लाइफ लॉन्ग सा एक प्रोसेस बन जाता है उनके लिए मेडिसिन लेना और वो ठीक नहीं हो पाते और कई तरह के साइड इफेक्ट्स होते हैं, बट होम्योपैथी के अंदर आप अगर ट्रीटमेंट लेते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल देंगे और धीरे धीरे आप देखेंगे बिना कोई साइड इफेक्ट के लिए तेजी से आपके जो लक्षण है उनमें सुधार देखने को मिलेगा और ओवरऑल आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो भी इंप्रूव होगी और आप तेजी से एक अच्छा इंप्रूवमेंट भी पाएंगे। दोस्तों अगर मैं बात करूं तो भी क्योंकि बहुत से लोग वापस पूछेंगे मेडिसिन्स के लिए, तो देखिए मेडिसिन्स मैंने बताया सिम्टम्स पे डिपेंड करती है, लेकिन कुछ मेडिसिन है जो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा जो मैंने देखा है बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है। दोस्तों पर्टिकुलरली अगर आपको इस HLA-B27 के कारण जो बैक है या कमर दर्द के मैक्सिमम पेशेंट मैंने क्लिनिक में देखे हैं जो आते हैं, तो उनके लिए दोस्तों सिम्टम्स के अंदर जो बेस्ट मेडिसिन देखी है वो है एस्कुलस,
दोस्तों एस्कुलस को 30 पोटेंसी में यूज किया जा सकता है और इसको सुबह यूज करें, दोपहर में यूज करें और शाम को दिन में 3 बार यूज किया जा सकता है। मेडिसिन आप जानते हैं कि ग्लोब्यूल्स में ले सकते हैं या डायरेक्ट 2 से 3 बूंद टंग पे भी दी जा सकती है, आपके डॉक्टर साहब जैसे पसंद करें। तो एस्कुलस जो इसकी बहुत अच्छी मेडिसिन है, अगर आपकी स्पाइन में पर्टिकुलरली लोअर बैक में अगर पेन स्टिफनेस वगैरह रह रहा है। दोस्तों एक और मेडिसिन जो मैं शेयर करूंगा आपके साथ, क्योंकि नेक्स्ट मैक्सिमम पेशेंट मुझे देखने को मिले स्पाइन से रिलेटेड ही, वो नेक से रिलेटेड आपकी गर्दन में दर्द है, तो दोस्तों ऐसे लोगों के लिए सिमिसी फ्यूगा भी एक बहुत अच्छी मेडिसिन है जिसके अपने आप में बहुत ज्यादा सिम्टम्स है, लेकिन पर्टिकुलरली अगर अपर रीजन में पेन है तो वहां सिमिसी फ्यूगा अच्छे रिजल्ट देती है और उसको 30 पोटेंसी में आप यूज कर सकते हैं सुबह, दोपहर और शाम, दिन में 3 बार। और भी बहुत सी मेडिसिन है जो इस पर साइन एंड सिम्टम्स आपके लिए प्रिस्क्राइब की जा सकती है। दोस्तों मेरा कंसर्न यही है और जो मैसेज देना चाह रहा हूं, एक कॉन्फिडेंस देना चाह रहा हूं कि अगर HLA-B27 उन्हें घबराए नहीं, अपने नजदीक में डॉक्टर साहब से कॉन्टेक्ट करें, उनके प्रॉपर गाइडेंस में ट्रीटमेंट ले और आप देखेंगे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज HLA-B27 के बारे में जो बेसिक जानकारी मैंने आपको दी है आपको पसंद आएगी और आपके लिए लाभकारी साबित होगी। इसी तरह से मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे YouTube चैनल यश होम्योपैथिक सेंटर जोधपुर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे मैं जैसे ही कोई वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।